बांग्लादेश में जब से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई और अब नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद उन्हें आए दिन कोई ना कोई ना बुरी खबर खबर सुनने पड़ रही है 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 अब बड़ी कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी आप देखिए इसी वजह से उनका काफी कोलैप्स होने वाला है इस बार आपने आपा के ब्रा देखे थे सब निकाल रहे थे आ, अभी ठहरिए छह महीने से एक साल में मोहम्मद यूनिस का कच्छा निकाल के आपको उसका विजुअल्स मिलेगा आप बांग्लादेश की ओवरऑल पर क्या सूर्य करेंगे

पर क्या भारत को चिंता करने का विषय है नहीं क्योंकि हम तो इनको देख ही लेंगे चीटी के पर भी निकलते हैं तो कितना दूर तक तो उड़ेगी जहाज तो बनेगी नहीं, ये तो, ये तो नहीं बन सकती है। बंगलादेश, इतना सा मुल्क है सा, और इतनी आबादी कोई वसायल नहीं समंदर के जहां से मछली निकलती है इससे पहले अगले दिन आपने थोड़े दिन पहले सुना है कि मोलदीव के इट मीन के जो मोदी साहब ने इंजेक्शन दिया है उसको प्रेजेंट मोजू को इट इज वर्किंग जय शंकर तीन दिन आए नहीं, नहीं लगा के हेलो दोस्तों स्वागत है दोस्तो, आप सभी का एपी चैनल पे तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लर्स वीडियो तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बांग्लादेश की भी खूब चर्चा की जा रही है और इसकी साफ वजह है क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर अभी जो कुछ हुआ है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और साथ ही साथ अब पाकिस्तानी ये भी समझते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानियों का एक प्रभाव भी बढ़ेगा जो कि अगर लॉजिकली देखें तो यह बात सही है बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली भारत के लिए एक प्रॉब्लम है और बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी सोच का प्रभाव काफ़ी बढ़ने वाला है जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी सोचों का प्रभाव पड़ा है जिसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनका बोलबाला बढ़ जाता है और तो फिर उसका असर क्या होता है हमने यह पाकिस्तान समेत कई कंट्री या देशों में देखा है जो कि उनके कट्टरपंथी सोच के कारण न सिर्फ दुनिया से वो अलग थलग बल्कि बद से बदतर उनकी सिचुएशन हो जाती है जिसके बाद दुनिया के आगे न सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं दुनिया के आगे हाथ भी फैलाने लगते हैं लेकिन ये इस पीसफुल कम्युनिटी का दुर्भाग्य यह है कि जो परेशान और त्रस्त लोग हैं वो ऊपर आगे उठना तो चाहते हैं लेकिन इनके खुद की ही धार्मिक कट्टरपंथी सोच इनको आगे नहीं बढ़ने देती है दोस्तों दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पहली डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने बांग्लादेश की पोलिटिकल टर्मोल है ठीक है जी अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है सो इट मीनस कि इंडिया जो है उसने ये पहला झटका लगा दिया है और इंडियंस आर वेरी हैप्पी ठीक है इनको थोड़ा मजा चखाओ, माइनॉरिटीज uh, के साथ ज्यादा चीजें तंग किया जा रहा है इन, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का वन बिलियन डॉलर देना है अदानी साहब के पैसे हैं वो दो, हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है सो ये आ, आ, ये अब उन्होंने कोवर्जन शुरू कर दी जैसे उन्होंने मोलदीव के साथ की मॉलदीव्स ठीक हो गया इससे पहले अगले दिन आपने थोड़े दिन पहले सुना है कि मॉलदीव्स के प्राइम प्रेजिडेंट क्या कह रहे थे कह रहे थे नेशन लाइक इंडिया एंड चाइना आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन मॉलदीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इट मीन्स के जो मोदी साहब ने इंजेक्शन दिया है उसको प्रेजिडेंट मौजू को इट इज वर्किंग जयशंकर तीन दिन नए नहीं लगा के आए देखिए इफ देर इज समथिंग रिलेटेड टू हिंदूज एनी वेर इन द वर्ल्ड इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया नाउ इट मीन्स इंडिया इज ए डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट और इंडिया ने आपको पता है इमीडिएटली इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था so कि इफ दे, इसको बना देंगे। और दुनिया के जिस बंदे से बात करेंगे हिंदुओं के साथ जाती हो रही सो so अब ये समझ लें कि ये आ, एक, एक पूरी की पूरी एक पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच आपके सामने आ गई है आ, इंडिया एक बहुत ही फ्रेंडली uh, नेशन के तौर पर या एक फ्रेंडली पर देखा जाता है लेकिन इसके आसपास के जो मुल्क है चाहे हम नेपाल बांग्लादेश अब बांग्लादेश में भी पाकिस्तान तो था ही चाइना भूटान मॉलिव एक एक करके सबके साथ एंटी इंडिया हमने सेंटिमेंट डेवलप होते हुए देखे लेटली और कुछ पता ही नहीं चला कैसे तो देखिए ये ना मेक्सिको के एक राष्ट्रपति हुआ क्या करते थे बेरितो हुआरेज नाम के और वो बोलते थे कि भाई मेक्सिको का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम खुदा से इतने दूर हैं और अमेरिका के इतने पास हैं तो यही होता है कि जब भी कोई एक बड़ा देश होता है और उसके नेबरहुड में छोटे छोटे देश होते हैं उनको बहुत आसानी होता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट ना करें खुद हमने क्या गलत किया है और हर चीज दूसरे पे आ, इल्जाम लगा देते हैं नेपाल का क्या होते रहता है कई बार वो चीन के साथ चला जाता है कई बार वो हिंदुस्तान के साथ चला जाता है ठीक है ना नंबर वन नंबर टू सबके साथ रिलेशनशिप खराब हुआ है और फिर से अच्छा हुआ है अल्टीमेटली मुइजू पिछले साल तक तो मुइजू हमारा एनिमी नंबर वन था या पोर्ट्रे हो रहा था उसको जो बोलना था वो बकते रहा और फिर आज आके हमारे जयशंकर के साथ हाथ मिलाता है और हमको कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दे रखा रखा है 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 उसने पता नहीं 28 आ, का जो सैनिटेशन वो सब हम आम, हमारे को ही बांग्लादेश में आप देखिए अभी के लिए तो बाढ़ का कोई संबंध नहीं था पर उन्होंने हम पे इल्जाम लगा दिया कि बाढ़ आपने शुरू किया था करके पर ये बांग्लादेश के खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो देखिए ये गवर्नमेंट इतना अनस्टेबल होने वाला है ये दो तीन साल में ना जो भी सरकार आएगा या तो बांग्लादेश एकदम इकोनॉमिक कलेप्स हो जाएगा तो फिर उनको आके नई दिल्ली में आके आए बाबा पैसा दे दे करके करना पड़ेगा देखिए आवामी लीग का प्राइमरी जो आ, वोट बैंक है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो ट्रेड यूनियन से आता है तो उसमें अगर आपका कारोबार बंद होने वाला है या आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है यही जो इन लोगों ने किया था ना

हमें इसको थर्ड फ्रंट के हिसाब से और एक कंबाइंड अटैक ना हो जाए उसके परिप्रेक्ष से स्टडी करना चाहिए देखिए बिगाड़ तो हमारा कुछ पाएंगे नहीं है पर क्या भारत को चिंता करने का विषय है नहीं क्योंकि हम तो इनको देख ही लेंगे तो मतलब इनके इरादे ओवरऑल मुझे ठीक नहीं लग रहे अब ये डिक्टेशन पाकिस्तान से लिए ये चाइना से लिए अमेरिका से लिए किसी से भी ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट होगा सारा सम टोटल देखे अभी चीजों को देखे तो ये ओवरऑल स्थिति में एक चीज जरूर बताता है कि इनके इरादे ठीक नहीं है इट इज नॉट एज पर नॉर्मल और मेरा ये सर, मेरा ये ये पर्सनल पर्सनल असेसमेंट है सर मानना मेरे पास कोई औपचारिक या अनौपचारिक इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे लगता है कि शायद हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे क्योंकि जो वहां स्थिति है हम कब तक अपने इंटरेस्ट को चाइना और अमेरिका या पाकिस्तान के अहम उक्रम पे छोड़ दे हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वी हैव टू आल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट मतलब मुझे लगता है हमें भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी या खो रही होगी संभवतः जी